ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन नई दिल्ली ने 2006 में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मैदान में जिस तब्दीली का सपना देखा था वह अब साकार हो रहा है। फाउंडेशन ने नर्सिंग ट्रेनिंग लेने वाले 50 विद्यार्थियों को एक विशेष कार्यक्रम में सर्टिफिकेट वितरित किए। खुशी की बात यह है कि 29 बच्चों ने नौकरी भी शुरू कर दी है। इस अवसर पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने शिरकत की और फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।